छेड़छाड़ के आरोपों के बाद खजराना में पार्षद और पूर्व पार्षद आपस में भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना की जानकारी लगते ही दोनों पक्षों के समर्थक और रिश्तेदार जमा हो गए और अपने राजनीतिक संबंधों के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराने में जुट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीआई ने बीच बचाव करते हुए दोनों पक्षों को समझाया, यदि टीआई सूझबूझ से काम न लेते तो खजराना में कल एक बड़ा विवाद हो जाता। देखिए इस रिपोर्ट को। पूर्व पार्षद समाना आयाज गुड्डू के बेटे और बहू श्रीनगर से अपने घर खजराना आ रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूबीना इकबाल खान के बेटे शाहनवाज ने उनको गंदे कमेंट्स करते हुए छेड़छाड़ की। आज पलट के बार बार घूर भी रहा था, इनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर इन्होंने जाके थोड़ा सा इनके घर पे करी और फिर कुछ भी उल्टा सीधा बोलना और बार बार देखना, तो ये कब तक चलेगा? कितनी बार हो चुका है इस प्रकार से? ये चीज जी चार पांच बार वो बोल चुके हैं, पलट पलट के कमेंट्स करते हैं, घूरते हैं बार बार गाड़ी से। हम लोग एक्टिवा से रहते हैं तो मतलब मुझे नजरें नीचे करना पड़ती है बार बार। और कोई विवाद इससे पहले का कोई पुराना विवाद हो? ऐसा कोई विवाद नहीं है, पर जी। बस उनको जो है बुरा गाली करना जी, और ये कुछ कमेंट्स भी करते हैं, कुछ कमेंट्स भी थोड़े अश्लील कमेंट्स करते हैं, सुने नहीं जाते। ठीक है, आज उन्होंने बोल दिया इसलिए आज इतनी बात हो रही है। आपका नाम? मेरा नाम रुखसार। वहीं सामने वाले पक्ष का ऐसा कहना है कि इन लोगों ने हमारे घर में घुसकर तोड़फोड़ की है, आप इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करें। मार डालेंगे और तुम्हारे लड़कों को, तुम हमला करने की नीयत से मेरे घर में? अरे भाई कोई बात थी, मेरे बच्चे से कोई गलती हुई थी या कुछ हुआ था तो तुम्हें मेरे से आके बोलना चाहिए कि घर में आके इस तरह से हमला करोगे? और वहीं मेरे छोटे छोटे से पोता खेल रहा है, फिर एक डेढ़ साल का पोता है, एक दो साल का पोता है, इन्होंने जो लात मारी वो बच्चा जरा सा हट गया, मेरा बच्चा वहीं मर जाता है। दो साल का पोता है, वहीं खेल रहा था। तो ये हरकत है क्या? ये गुंडे की, इसकी अयाज गुड्डू और इसका बड़ा भाई आया था और इसके दोनों लड़के आए थे और उसके अंदर मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है कैमरे लगाए हैं। मैं आपको कैमरा बताती हूँ, कैमरे के अंदर पूरा फुटेज आया कि इस तरह से गाली बक रहे हो, किस तरह से हमला कर रहा है। और ये कोई बात है कि मेरी बीवी को देखा इन्होंने? अरे ये कोई बात है, घर में निकलते तो बाहर निकलते 10 लोग एक दूसरे को देखते हैं, क्या किसी को देखना है घूमना और देखना, इसके ऊपर कोई कायमी होती है क्या? इस बात पे तुम हमला करोगे हमारे घर पे आके? ये आतंक बचा रखा इनके बातों की वजह से तो ये हारे थे पहले भी। और मेरा बच्चा वो इंजीनियर है, अभी 8-10 दिन से वहाँ जेवर धन सिंह के चुनाव में लगा था, कल आया है यहाँ पे और आटे के साथ वो क्या लड़कियों को घूम रहा है? एक बेटा ऐसी देखने लायक और वो यहाँ लड़कियों को घूमने जाएगा? विवाद बढ़ता देख थाने के अन्य पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला। इसके बाद दोनों पक्ष शांत हुए। पूर्व पार्षद की ओर से भी रिपोर्ट लिखाई गई है, जिसकी शिकायत के बाद छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। यदि समय रहते टीआई अपनी सूझबूझ का परिचय नहीं देते तो कल खजराना में एक बड़ा विवाद हो जाता और इसके जिम्मेदार दोनों पक्ष होते। हाँ, जनप्रतिनिधि हैं दोनों, एक भूतपूर्व जनप्रतिनिधि एक वर्तमान में है, दोनों में आपस में विवाद हुआ बच्चों को लेकर। तो एक जो है बक्सान और उसका भाई जहरान और चाचा बबलू करके, ये सहनाज के घर पे गए थे, वहाँ जाके इन्होंने तोड़फोड़ की। उस पर से 452, 294 की कायमी की गई है। दूसरे पक्ष ने रिपोर्ट की है कि हम बक्सान ने कि मैं अपनी पत्नी के साथ आ रहा था, जो ये चौराहे भेजे गुरागारी की और अश्लील इशारे किए, उनकी तरफ से उन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही। सर, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं? अभी तो FIR हो रही है।